बिजनेस कार्ड मेकर हमने जो है अभी लोग अगर आप जो है लोकल प्रिंटिंग हब वगैरह में जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप जो है बिजनेस कार्ड वगैरह का फॉर्मेट मिलता है अगर प्रिंट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको डिजाइन करना हो तो देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे फॉर्मेट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ये एप्लीकेशन मैंने ओपन किया, यहाँ पे है रेडीमेड, इसमें हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है फॉर्मेट चूज करना है कि लैंडस्केप चाहिए या फिर पॉटरी चाहिए, चौड़ा वाला चाहिए या फिर लंबा वाला चाहिए। लैंडस्केप, अब यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले जो है वो फॉर्मेट चूज़ करना होगा। काफ़ी सारे फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं और मॉडर्न फॉर्मेट है, ट्रेडिशनल फॉर्मेट नहीं है। तो देखने में भी लगेगा कि ओके कुछ है, ये विजिटिंग कार्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे फॉर्मेट्स हैं, इनमें से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये वाला फॉर्मेट मुझे अच्छा लग रहा है, डाउनलोडिंग टेम्पलेट्स। अब यहाँ पे बस आपको जो है इसे कस्टमाइज करना है। कस्टमाइजेशन की काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको जो है जो भी चीज़ें दी हुई है उसी को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट है, सबसे पहले मैं इसको जो है डबल क्लिक करके, डबल टैप करके एक्चुअली मैं यहाँ पे अपना नाम चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना नाम जो है वो डाल देता हूँ, तौसिफ और खालिद, और उसके बाद जो है मैं इसको ऐड कर देता हूँ। नाम मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फ़ोन नंबर वगैरह हैं, आप उसे अपना एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लोगो का, चलिए लोगो चेंज कर लेते हैं, लोगो मैंने डिलीट कर दिया। ऐड इमेज में चलते हैं, यूज़ गैलरी, और उसके बाद गैलरी में से जो है हम अपनी इमेज को चूज़ कर लेते हैं। ये मेरे पास जो है लोगो है जो कि अभी हमने क्रिएट किया था, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ये लोगो जो है यहाँ पे आ गया। ओके, एक प्रॉब्लम हो गई हमारे लोगों के साथ कि मैंने जो है यहाँ पे ब्लैक टेक्स्ट यूज़ किया था, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ब्लैक आ रहा है और ब्लैक कलर है, तो यहाँ पे फिलहाल चलिए रहने देते हैं। मैं आपको बस डेमो के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया, यहाँ पे कंपनी नेम है उसको भी जो है आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं पहले लोगों को ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे कंपनी नेम जो है मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपको बताइए मेरी कंपनी का नाम क्या है, बिल्ली फॉर यू, ये एक्चुअली आपकी कंपनी का नाम है बिल्ली फॉर यू। ऐड कर दिया मैंने, फिर से मैं लोगों को पोजीशन पे डाल देता हूँ। तो वाइट बैकग्राउंड है इसकी वजह से जो है, सॉरी ब्लैक बैकग्राउंड है इसकी वजह से परेशानी हो रही है। अब यहाँ पे आपके पास जो है और भी कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लेयर्स वगैरह के जो है ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे बैकग्राउंड्स वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाती हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो है आप देख सकते हैं, सिंबल वगैरह है तो यहाँ पे जो है शेप वगैरह मिल जाते हैं, लाइन है, एसेट्स है, लोगोज वगैरह है, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। फाइनली जब आपका ये जो है कार्ड रेडी हो जाए, आप सिंपल सेव कर दीजिए इसको और ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। बस अब आप इसे जो है शेयर कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे गैलरी में और देख लेते हैं इस कार्ड को। तो ये है हमारी गैलरी और ये हमारा कार्ड सेव हो गया, और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं कि क्वालिटी ख़राब है, तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं यहाँ से डिटेल्स में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो है 462 KB, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी ही, काफ़ी अच्छा साइज़ है। तो इजीली आप जो है इस एप्लीकेशन की हेल्प से बिजनेस कार्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।